हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। करना तो उसमें फैक्टराइज ही है, लेकिन इस बार टर्म कैसे हैं, 3 से ज्यादा मतलब पॉलीनोमियल टर्म है, तो नियम कॉमन लेने के थोड़े से डिफरेंट है। क्या अगर चार टर्म हो, चार से ज्यादा टर्म हो, इवन ये नियम 3 टर्म में भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली चार टर्म या चार से ज्यादा टर्म में क्या होता है, कॉमन जरूरी नहीं है कि सब में से एक साथ आए। ऐसा हो सकता है पहले दो अगले दो में से आ जाए, पहले तीसरे और दूसरे चौथे में से कॉमन आ जाए, तो ये कोई नियम नहीं है कि कॉमन सब में से ही आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी, तो आपको हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। मोस्टली जो चार टर्म वाले क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर क्या लॉजिक लगता है कि आप किसी दो में से कॉमन और अगले दो में से कॉमन निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना, लेकिन याद रखिएगा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर दो में से ही कॉमन आ रहा है। हो सकता है कॉमन पहली तीसरी और दूसरी चौथी में से आ रहा हो सकता है कॉमन पहली चौथी और दूसरी तीसरी टर्म में से आ रहा हो, तो ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग ही मिलेगा, आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहले दो और अगले दो में से लेने के लिए, अगर कॉमन आता है तो ठीक है, वरना कोई और टर्म ट्राई करेंगे। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स, तो पक्की बात एक एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ वाई है लेकिन यहाँ वाई मौजूद नहीं है, सॉरी अंतर कुछ नहीं आ सकता। दो एक्स है, एक एक्स बाहर है, एक बचा, प्लस एक्स और वाई में से एक्स बाहर है, y बचा। अब ये वाला सिंबल हमेशा एज इट इज आएगा। अब चेक करो 8x और 8y में से कॉमन क्या है, एक तो 8 कॉमन है, y और x सिंगल सिंगल है ना, तो यहां x है तो यहां x मौजूद है, कॉमन नहीं आ सकता। y इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, कॉमन नहीं आ सकता। ब्रैकेट 8x में से 8 बाहर है, क्या बचा, x रह गया, प्लस 8y में से 8 बाहर है, y। अगर मैंने ये अपना फैक्टराइजेशन सही किया है तो इन दोनों ब्रैकेट का मैच होना जरूरी था। देखो बिल्कुल मैच हो रहे हैं, मतलब मैंने जो पहले दो और अगले दो में से कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फिर x plus y कॉमन आ रहा है, x plus y जो बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, सोचो इस पूरे में से x plus y बाहर आ गया, क्या बच गया, x बच गया, प्लस ये पूरा तो बाहर ही है, क्या बच गया, 8 बच गया। ये लीजिए हो गया फैक्टराइज। हमेशा ध्यान रखना ये जो पहले दो और अगले दो मैंने लिए वो सही है तो इनका मैच होना जरूरी था। मान लो ये मैंने पेयरिंग गलत कर रखी होती तो ये दोनों मैच कभी नहीं होते, और अगर मैच नहीं होते तो मैं समझ जाता कि मुझे पहले दो और अगले दो में से नहीं कोई और दो टर्म लेने हैं। चलो अगला देखते हैं, इसमें भी चार टर्म ही है। नियम तो यहाँ पर वही लगाते हैं, पहले दो और अगले दो में से लेने की कोशिश करते हैं, अगर कॉमन आ जाता है तो ठीक वरना अपने पेयर चेंज कर लेंगे। तो 15 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इसको 3 × 5, और 6 को क्या लिखा 3 × 2। चेक करो कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। 5 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, x और y और यहाँ सिंगल x, तो सिंगल x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में देखो क्या बचा, 3, 5, x और y, 3 बाहर x बाहर, तो क्या बचा, 5 बचा, y बचा, माइनस 3, 2 और x बाहर है, 2 बच गया, ये वाला साइन एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब 5, y और 2 में से कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखूं फिर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दो कॉमन में। अब 5y, क्योंकि कॉमन में तो सिर्फ 1 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो पूरा का पूरा टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कॉमन आपने कुछ निकाला ही नहीं है, कोई कॉमन 1 था। चेक करो ये ब्रैकेट मैच हो गए, बिल्कुल मैच हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पेयरिंग किया था पहले दो और अगले दो वाला ये बिल्कुल करेक्ट था। आप देखो कॉमन आ रहा फिर से 5y-2, ये लीजिए 5y-2 में फिर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या इस पूरे में से 5y-2 तो कॉमन है, तो बचा क्या 3x, और इस पूरे की बात करो तो 5y-2 कॉमन है, क्या बचा प्लस 1, ये लीजिए हो गया फैक्टराइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिर से देखो चार टर्म है, वहां पर भी चार टर्म है, तो नियम वही लगाता हूँ, पहले दो और अगले दो में से कॉमन लेने की कोशिश करूंगा, अगर ये सेटिंग नहीं सही बैठेगा तब कोई और पेयर लूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले दो की बात करें तो साफ देख रहे हैं एक्स कॉमन आ रहा है, ए और बी में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, तो ये लीजिए एक्स बाहर आ गया, ए और एक्स, x बाहर है, क्या बचा a, फिर प्लस ये लीजिए b और x में से x बाहर है, क्या बचा b, ये वाला टर्म एज इट इज बाहर आएगा, माइनस अब क्या कॉमन आ रहा है, पक्की बात देखो y कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, a और b में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, a और y, y बाहर है, a बचा। अब जरा ध्यान से देखना इस माइनस साइन में अंदर कौन सा साइन लिखूं, माइनस ही आ जाए तो माइनस में अगर प्लस मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आएगा, मतलब माइनस इंटू प्लस इज माइनस, बी वाई में से y बाहर है तो क्या बच गया b बच गया। चेक करो ये दोनों ब्रैकेट मैच हो गए क्या, बिल्कुल मैच हो गए, मतलब जो मैंने पेयरिंग की थी शुरू में वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चेक करो a plus b भी तो कॉमन आ रहा है, ये लीजिए इन्हें भी बाहर निकाल लो, तो बचा क्या
इस पूरे में से a प्लस बी बाहर है, x रह गया माइनस, इस पूरे में से a प्लस बी बाहर है, क्या रह गया वन, ये लीजिए हो गया फैक्टराइज। अगले बार आते हैं, चार टर्म है तो पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ का पूरा 15 ही कॉमन आ रहा है, पी क्यू, लेकिन यहाँ कोई टर्म नहीं है तो सॉरी कॉमन नहीं आ सकता। तो अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 15 पी क्यू, 15 बाहर है, ये लीजिए पी क्यू आ गया, प्लस 15 पूरा पूरा बाहर है, तो जब कुछ सारे बाहर आ गया तो फिर क्या बचा अंदर, वन, ये साइन है, दैट इज यहाँ पर। अब 9 और 25 में से कॉमन कुछ भी नहीं, क्यू और पी में से कॉमन कुछ भी नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो वन ही कॉमन आएगा। अब वन कॉमन आया तो पूरा का पूरा टर्म एज इट इज कॉपी कर दो, ये लीजिए। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम हो गई, मैच क्या कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट, अगर दोनों ब्रैकेट मैच नहीं कर रहे इसका मतलब जो ऊपर की जो पेयरिंग की गई है पहले दो अगले दो की, इसमें गड़बड़ है, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। यही मैं आपको सिखा रहा था कि जब चार टर्म आते हैं तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता कि पहले दो और अगले दो में से ही कॉमन आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न नहीं लगा, इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई, जैसे मैंने पहले दो और अगले दो पेयर किए नहीं, इस बार ये पेयर नहीं होंगे, इस बार पेयर कोई और दो टर्म होंगे। चलिए वही करते हैं, मैं इस बार क्या करता हूँ, देखो पहला और चौथा लेता हूँ, दूसरा और तीसरा लेता हूँ। अगर किसी को इस चीज में डाउट है कि सर पेयरिंग ऐसे कैसे कर ली, तो ध्यान रखिएगा इसका कोई नियम नहीं है, हर क्वेश्चन में पेयरिंग लेने का तरीका अलग होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको क्लियर होगा कि आपको पेयरिंग कैसे कैसे लेनी है। हो सकता है ये जो मैं पेयरिंग ले रहा हूँ ये भी गलत बैठे, तो फिर मैं पेयरिंग और लेके दूंगा। कोई इसका रूल नहीं है कि आपको पेयरिंग कैसे लेनी होती है, रूल सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन करिए, पेयर बनाइए अपने हिसाब से, अगर ब्रैकेट मैच हो जाता है तो पेयरिंग सही है, और ब्रैकेट मैच नहीं हुआ तो पेयरिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक साथ लेता हूँ और इन दोनों को एक साथ लेता हूँ। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो 15 को लिख दिया मैंने 5 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू, और 25 पी को लिख दिया 5 इंटू 5 और इंटू पी। चेक करो इनमें से कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन है ये लीजिए, और एक पी कॉमन है ये लीजिए, निकाल दिया। बचा क्या, 3 और क्यू बचा, ये लीजिए, फिर प्लस लग रहा है ना तो प्लस लगा दिया, 5 और पी तो बाहर है, एक 5 बचा, ये लीजिए। अब इन दोनों की बात करते हैं, प्लस लग रहा है आप ये प्लस लगाइए। अब 15 और 9, 15 को मैंने लिखा 5 इंटू 3 और 9 को लिखा 3 इंटू 3, तो क्या कॉमन आ गया, देखो एक 3 कॉमन आ गया। अब इसके पास q तो है लेकिन यहाँ q नहीं है तो ये तो कॉमन आ नहीं सकता, ये लीजिए लग गया ब्रैकेट, 5 और 3, 3 बाहर है, 5 बचा, ये लीजिए 5 लिख दिया, प्लस 3, 3 और q, 3 बाहर है तो क्या बचा, 3q बचा। चेक करो ब्रैकेट मैच हो रहे हैं, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, चिंता मत करिए, 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3q एक ही चीज होती है, मतलब इस बार जो पेयरिंग होनी थी वो पहले चौथे और दूसरे तीसरे की होनी थी, ठीक है। बस देखिए क्या ब्रैकेट मैच हो गए, बिल्कुल मैच हो गए, मैंने फिर कॉमन निकाल लो बाहर, और बचा क्या, इस पूरे टर्म में से 3q प्लस 5 बाहर है तो क्या बचा, 5q प्लस, अब इस पूरे में से 3q प्लस 5 बाहर है, इस पूरे में से 3q प्लस 5 बाहर है, क्या बचा, 3, ये लीजिए हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करते समय जो हम पेयरिंग लेते हैं कि कौन से दो टर्म में से और अगले कौन से दो टर्म में से कॉमन निकालना है, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको क्वेश्चन करते समय ही आइडिया होगा कि आप पेयरिंग किस तरह से करो, और ये चीज ऐसा है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख दिया है चार टर्म है कॉमन निकालना है, तो चलिए क्या करें, नियम पहले वही लगाते हैं कि पहले दो और अगले दो में से ही लेते हैं, और अगर बाद में मेरा ब्रैकेट मैच नहीं हुआ तो ठीक है चेंज कर लेंगे, मतलब पेयरिंग में गड़बड़ है। तो 5 और 7, 5 और 7 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखते हैं, 1 कॉमन लिखते हैं, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो टर्म एज इट इज उतार देते हैं, कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, ये वाला प्लस हमेशा आएगा। चेक करो दोनों के अंदर एक एक्स है बाहर आ गया, दोनों के अंदर एक वाई है बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, 7xy, xy तो बाहर है, 7 बचा। अब चेक करो प्लस में ऐसा कौन सा साइन मल्टीप्लाई करो कि माइनस आ जाए, तो प्लस के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई बाहर, क्या बच गया, जेड बच गया। अब जरा चेक करो ब्रैकेट, जेड माइनस 7, 7 माइनस जेड, लेकिन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों प्लस के थे तो आगे पीछे लिखा हुआ कोई फर्क नहीं डालता, दिक्कत है यहाँ पर माइनस पी पे साइन है और ये रिवर्स लिखे हुए हैं तो बिल्कुल इसमें फर्क है। अब मैं अगर 7 माइनस जेड को जेड माइनस 7 लिखना चाहता हूँ तो मुझे एक कॉमन बाहर लेना पड़ेगा, मैं लॉजिक समझा देता हूँ एक बार, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ए माइनस बी और आप इसे बी माइनस से लिखना चाहते हो तो क्या करो, माइनस लगाकर बी माइनस से लिख दो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये 7 माइनस जेड
z माइनस 7 हो जाए इसकी तरफ, तो मैं क्या करूंगा एक माइनस बाहर लूंगा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखो जरा ठीक है, तो 1 z माइनस 7 एज इट इज, ये मुझे रिवर्स करना है मतलब इसको पलटना है, तो मैंने क्या करना है एक माइनस बाहर इस नियम की वजह से, प्लस था तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस एक्स वाई, और ये रिवर्स करके लिख दीजिए, मतलब फिर समझ लीजिए a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना है तो एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, उसी तरह से 7 माइनस z को मैंने z माइनस 7 लिखा, एक माइनस बाहर ले लिया क्योंकि प्लस का साइन था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब चेक करो z माइनस 7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या बचा इस पूरे में से z माइनस 7 बाहर है, 1 बचा माइनस इस पूरे में से z माइनस 7 बाहर है, x वाई बचा, ये लीजिए हो गया फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्सक्यूलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।